सब भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपका अपना फौजी द वेडिंग सोल्जर यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा था कि मैंने अनबॉक्सिंग किया था दो दो बॉडी का फ्यूजी फिल्म XT3 का, तो वैसे ही वो खाली बॉडी थी बट उसके साथ लेंस भी लेने थे। तो जो मैंने लेंस खरीदे हैं आज मैं उनके बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो सीधा लेट्स ऑन द पॉइंट। आज का हमारा जो मेरे पास लेंस है वो आप देख सकते हो। मेरे पास आज मैं जो फ्यूजीनोन का 1655 2.8 जो लेंस है आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये किट लेंस नहीं है। जो किट लेंस आता है 1855 वो होता है आपका 2.8 से 4 अपर्चर, बट इसमें क्या है, ये 1655 है और ये आपको 2.8 का कांस्टेंट अपर्चर देता है। ये जो मार्किंग है 1655 ये आपके क्रॉप बॉडी के अकॉर्डिंग है, बट आप इसको इक्वलेंट करो तो फुल फ्रेम के तो ये हमारा हो जाता है 24 to 82.5, मतलब कि 24 mm से 82.5, 83 से कम 82 mm से ज़्यादा, बट ये दोनों रहेगा आपका 2.8 पे। तो दोस्तों, इस लेंस के बारे में जैसे अभी तक का मेरा इतने दिनों का यूजेज है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। सबसे पहले जो इसमें रिंग दिया गया है, पहले आते थे डबल रिंग लेंसेज, उनमें सिंपल सी दो रिंग होती थी, एक आपकी होती थी फोकस रिंग, सेकेंड होती थी आपकी टेलीवाइड जूम करने वाली, बट इस लेंस में ऐसा नहीं है। इस लेंस में आपको मिलते हैं तीन रिंग में आपका पहला जो सबसे पहले आपको होगा वो होगा आपका अपर्चर रिंग। अपर्चर रिंग में होता क्या है कि आप इसमें फिजिकली अपने कैमरा में टच करने के बाद या उसको हिलाने के बाद आप उसको सेट कर सकते हो। उस पर मार्किंग है 2.8 to 22, बट 22 के बाद में लास्ट में एक जगह पर ए लिखा है। ए मीन्स जब आप उसको ए पे सेट करोगे, ए पे सेट करने के बाद आपकी जो अपर्चर की कमांड है वो आपके कैमरा के कमांड डायल में चली जाएगी जिसमें आपने उसको सेट किया हुआ है। क्योंकि बाय मिस्टेक अगर गलती से आपने इसको आपसे हिल जाता है तो आपको पता भी लग जाएगा कि आपका अपर्चर हिला है। सेकंड थिंग, इसमें सेकंड आता है रिंग हमारा, वो रिंग है हमारा टेलीवाइड। अगर हमें टेलीवाइड करना हो तो वो हम इस रिंग से कर सकते हैं। और थर्ड रिंग आता है हमारा जो हमारे फोकस के लिए है। जैसे कि ये आप इस पर देख सकते हो कि इसमें XF जूम रेड कलर के बीच में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ये रेड कलर का क्या लॉजिक है। फ्यूजीनोन के पास एक पूरी सीरीज़ है जो उनके रेड बेज के लेंसेज बनाती है। रेड बेज के लेंसेज उनके सबसे टॉप क्वालिटी के लेंसेज होते हैं। उस लेंसेज में उनका फोकस बहुत स्मूथ होता है और जैसे कि आपको पता है कि मिररलेस आने के बाद फोकस इस कैमरा के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर दोनों होता है, तो इसकी फोकस रिंग इन्फिनिटी घूमती रहती है, कोई कभी भी वो नहीं रुकेगी। बट अब जब बात चल रही थी रेड बेज लेंसेज की, रेड बेज लेंसेज उनके इतने काफ़ी अच्छे होते हैं। जो आप ये लेंस मेरे हाथ में अभी देख रहे हो 1655, ये हमारा वेदर रेसिस्टेंट है। कंपनी ऐसा बोलती है कि वो कभी भी एक तो फुल फ्रेम कैमरा नहीं बनाएंगे। दैट्स वाई अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो आप खुल के इन्वेस्ट कर सकते हो लेंसेज में, क्योंकि आपको पता है कि जो आपने एक बार लेंस खरीदा है वो आपका कभी भी बेकार होने वाला नहीं है या विदाउट यूज़ वो नहीं होने वाला, वो अनयूज नहीं रहेगा आपका, वो परमानेंट यूजेज में रहेगा। और दूसरी बात यह कि कंपनी बोलती है कि इस लेंस में कभी भी आपको फंगस नहीं आएगी। इट मीन्स ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैक्सिमम होता है फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर या अमेचर कोई भी कैमरामैन हो जिसके पास कैमरा हो उनको लिए प्रॉब्लम रहती है कि उनके लेंसेज में फंगस आ जाता है, बट इस लेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हो कि मैंने इसको कनेक्ट किया है XT3 की बॉडी पे और आपको लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लाइक ए 1DX, मिनी 1DX, बट इसकी स्मूथनेस का जब आपको इसको टच एंड फील आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये रेड बेजिंस के लेंसेज है और ये थोड़ा सा महंगा रहेगा आपके किट लेंस के कंपैरिजन। बट हाँ, जैसे आप किसी कंपनी में दूसरा किट लेंस लेते हो, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है 24 to 105 24-105 फिक्स 4 अपर्चर में, बट अगर आपको अपनी किट को एनहांस करना होता है या ज़्यादा अच्छा करना होता है आप उसके लिए खरीदते हो 24-70 2.8, बट इस लेंस में आपको डबल फ़ायदा हो रहा है।
आपको 2.8 मिल रहा है, वाइड सेम 24 का है, बट उसमें एंड होता है 70 mm पर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको 82.5 मतलब कि 82 से ऊपर और 83 से नीचे मिलेगा, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप टैली पे फ़ोटो खींचना चाहो तो आप टैली पे खींच सकते हो, वाइड पे खींचना चाहो तो वाइड पे खींच सकते हो, विदाउट आपका कोई भी आप अपना अपर्चर को ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2.8 है वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होता है, बट आपको करना है तो हो जाएगा, पर वो खुद से खुद नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मल किट लेंसेज जो कॉन्स्टेंट में नहीं आते, वेरिएबल अपर्चर के साथ आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने इस पे जो काम किया, इसका फोकस कैसा है, कितना स्मूथ है। मुझे तो मेरा पर्सनल रिव्यू है, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कब मैंने डाली थी और इतने दिन के बाद मैंने इसको यूज़ करा है, मॉडल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है, वैसे हर तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है, बट उसमें मुझे जो अच्छा लगा, सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें, वो आज मैं सब आपको बता रहा हूँ। मतलब कि इसका आउटपुट गजब है। लोगों की एक अंदर एक फोबिया होता है कि ये क्रॉप फ्रेम है, फुल फ्रेम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके सेंसर में कैमरा के इतनी ताकत है, बहुत ज़्यादा, और आपका इमेज साइज आप कंपेयर करो, मैंने खुद ने इसको कैनन 5D मार्क 3 मार्क 4 USR के साथ कंपेयर किया है, उनसे कहीं ज़्यादा इसमें पिक्सल है, उनसे मेगापिक्सल में इक्विवेलेंट में ये USR को बीट करता है। 26 है ये, उनका 24 में भी 22 है, बट ये कोई कैमरा कंपैरिजन नहीं है, ये लेंस का रिव्यू है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा ये लेंस बहुत ज़्यादा मस्त है। तो दोस्तों कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी लेंसेज की शार्पनेस गुड, कलर गुड, हर चीज़ गुड है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे उसके लिए आप शेयर करो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक इसके बाद जो मेरे और लेंसेज हैं वो हमने कौन से लिए उनके रिव्यू में। तो दोस्तों सबको मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद।